केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में वापकोस के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके बेटे गौरव को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने आरोपियों के दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, सोनीपत और गाजियाबाद में 19 स्थानों पर छापेमारी की और उनके परिसरों में 38 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किए। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2019 तक राजेंद्र कुमार गुप्ता पद पर थे। सीबीआई के एक अधिकारी का कहना है कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत भारत सरकार के उपक्रम वाटर एंड पावर्स कंसल्टेंटी सर्विस इंडिया लिमिटेड यानी वापकोस के पूर्व सीएमडी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ इस आरोप में मामला दर्ज किया गया है कि उन्होंने 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2019 तक अपने कार्यकाल के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकद बरामद हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और गाजियाबाद समेत 19 जगहों पर छापेमारी की थी। उस दौरान सीबीआई ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेंद्र कुमार गुप्ता के ठिकानों से 38 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला भी दर्ज किया गया था। छापेमारी के बाद सीबीआई के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि राजेंद्र कुमार गुप्ता पर हाल ही में आय के स्रोतों से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया था। राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीमों ने उनके ठिकानों की तलाशी ली थी। छापेमारी के दौरान संपत्तियों और अन्य कीमती सामानों से संबंधित दस्तावेजों के अलावा करीब 38 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने मंगलवार की देर रात तक पूर्व सीएमडी के घर से 20 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। अब तक उनके घर से 38 करोड़ रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। इनके अलावा ज्वेलरी और तमाम कागजात भी रिकवर हुए हैं। इतनी भारी संख्या में कैश बरामद होने के बाद राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके बेटे गौरव सिंघल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। दरअसल सीबीआई का आरोप है कि आर के गुप्ता ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति बनाई। जांच एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि राजेंद्र गुप्ता अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन करके कंसल्टेंट का काम कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने संपत्तियां अर्जित की हैं। वीडियो डेस्क amarjala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।